भारी वर्षा होने के कारण सांगली कोल्हापुर जैसे इलाकों में बाढ़ जैसा मंजर के कारण वहां के सारे घर ग्रस्त तहस नहस हो गए। हम आपको बता दें कि भिवंडी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाई गई। विशेष तौर पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारी वर्षा के कारण जो सांगली और कोल्हापुर में जो वहाँ के रहवासी थे उनको लगातार 7 दिनों तक उनके घरों में पानी भरा रहा। जहाँ हम आपको देख सकते हैं कि दुकानों में पानी, घरों में पानी और साथ ही साथ बिल्डिंगों में लोग फंसे दिखाई दिए। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँचकर राहत कार्य कर रही थी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की टीम भी दिखाई दी। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि पूरे देश से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद राहत कार्य पहुँचाई जा रही है। इसी तरह भिवंडी के हम आपको बता दें कि समाज सेवक आसिफ मेमन और अहमद कामले द्वारा विशेष तौर पर पूरे भिवंडी शहर के नागरिकों की मदद से हम आपको बता दें कि सालिया अपार्टमेंट में से 2 ट्रक जो है एक रिलीफ कोल्हापुर और सांगली के लिए भेजी गई। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस रिलीफ के अंदर जो मदद कार्य पहुंचाई जा रही है इसमें ज़्यादातर देखने को मिला कि जो खान पीन के पदार्थ थे वो तो था ही, लेकिन जो ज़रूरतमंद चीज़ें जैसे कि गद्दा, रजाई, स्कूली बैग, स्कूली किताब, पेन, कापी, इन सारी चीज वहाँ पर दिखाई दिए। अनाज के अलावा आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बाल्टी, बर्तन, ये सारे चीज़ें जो हैं रिलीफ यानी कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजी जा रही है। वैरायटी ग्रुप के सभी सदस्य ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वैरायटी ग्रुप की बात की जाए तो आसिफ मेमन और समाज सेवक अहमद कामले ने हमारे चैनल से वार्तालाप किया और जो बाढ़ पीड़ित हैं सांगली और कोल्हापुर में जिनकी मदद के लिए आज 2 ट्रक जो है रवाना की जाएगी उसमें उसके माध्यम से जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रिलीफ के ताल्लुक से जो चीज़ हमने सोचे थे कि भिवंडी से हम एक रिलीफ निकालेंगे कोल्हापुर सांगली के ताल्लुक से, तो हमारी सोच से भी ज़्यादा भिवंडी वालों ने हमें डोनेशन दिया, भिवंडी वालों ने हमें हेल्प की और मतलब हमारा जो हमारी जो मतलब सोच से भी हम बता नहीं सकते, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हमारा काम हुआ है। आज हमारे जो किट है जिसमें अनाज से लेके बर्तन, बर्तन से लेके हर चीज़ है, खाने पीने की हर आइटम है, बच्चों के लिए बैग वगैरह है, स्कूल बैग है जिसके अंदर कॉपी है, पेन है, पेंसिल वगैरह है, काफ़ी वेराइटी है। मतलब जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे डेली सुबह में उठने से लेकर रात को सोने तक जो घर में एक चीज़ लगती है एक फैमिली को, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से बनाकर लेकर जा रहे हैं। और 2 ट्रक 2 गाड़ी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सामान है और हमारा मकसद है कि हम घर घर जाकर वहाँ पे लोगों की हेल्प करें। और मैं हमारे भिवंडी वाले जो हमारे डोनेशन जिन्होंने दिया मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो रिलीफ है ये एक समझो एक हिंदू मुस्लिम इकाई की एक रिलीफ हम भिवंडी से निकालने जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने हमें डोनेशन दिया, बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की है, कोई चावल के ताल्लुक से तो कोई दाल के ताल्लुक से तो कोई डोनेशन के ताल्लुक से, बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सहयोग रहा भिवंडी कर का, भिवंडी वालों का अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ के लिए मैं सभी मेरे जो डोनेशन करता है उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने भी लोग मेरे मतलब हेल्प किए ये रिलीफ के ताल्लुक से। और बस अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस सफ़र को अल्लाह ताला कबूल करे और आसान करे और आप भी सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को कबूल करे और वहाँ पर जो ज़रूरतमंद है, जो बेचारे वहाँ बाढ़ पीड़ित लोग हैं जिनका घर के घर उजड़ गया है, तो हम जाकर उनकी तहे दिल से हम खिदमत करना चाहते हैं। हमारा एक जज्बा है कि बस हम एक खिदमत के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारा पूरा ग्रुप है, वैरायटी ग्रुप, हमारे जितने वॉलंटियर है, जितने हमारे भाई वगैरह है, अहमद भाई वगैरह जितने भी है, सबका बहुत मतलब सपोर्ट रहा हमको। आज 5 दिन से ना हम दिन देख रहे ना रात देख रहे, हम सुबह से ले कर रात तक सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। बच्चे लोग हमारे जितने वॉलंटियर सब माशाल्लाह खूब मेहनत किए, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो सबसे बड़ी मेहनत है पूरे बच्चों की है जितना हमारा ग्रुप है। और गुजार करना चाहूँगा सभी भिवंडी वासियों का कि बस दुआ कीजिए कि रिलीफ सक्सेस हो और जहाँ ज़रूरतमंद है वहाँ तक ये रिलीफ पहुँचे। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे डोनर्स है, जो भिवंडी से है, कल्याण से है, काफ़ी गाँव से जिन्होंने भी हमको डोनेट सब किया है। जैसे कि अभी हमारा आसिफ भाई है जिन्होंने एक पहल की कि भिवंडी से हमारे एक बड़ी रिलीफ जाना चाहिए, तो हम लोगों ने मुआयना किया वहाँ पर लोगों को क्या चीज़ों की तकलीफ़ है, क्या चीज़ों को वहाँ ज़रूरत है। तो वहाँ से जैसे हम लोगों को मालूम पड़ा कि हमको बर्तन चाहिए तो हमने बर्तन का किट बनाया,
हमको अनाज चाहिए तो हमने अनाज का किट बनाया। अनाज के किट में हमने ऐसा नहीं किया कि दो दिन तीन दिन चार दिन में ख़त्म होना चाहिए, हमने पूरा पूरा एक एक महीने का अनाज दिया है। उसके अंदर हम लोगों ने जो बच्चे वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं जिनके पास बुक्स नहीं है बैग नहीं है उनके लिए हमने तालीम का भी ये किया है। उसके अंदर हमने स्वच्छ भारत अभियान का भी ध्यान रखते हुए हमने वहाँ पर खराटा फिनेल वहाँ पर जो बीमारी फैली है उसके लिए दवाइयाँ हर चीज़ का हम लोगों ने यहाँ से एक किट रेडी करके यहाँ से हम एक कूपन हमारी आज एक टीम निकल चुकी है सवेरे से वहाँ पर लोगों के पास जाकर जिनको जो चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर बात करके उनको आज कूपन बटने वाला है। वो कूपन देने के बाद हम लोग जाकर यहाँ से जो कूपन जिनको अगर बर्तन चाहिए बर्तन का कूपन लाएगा हम उन्हें बर्तन देंगे। हर ज़रूरतमंद के लिए हम लोगों ने कितनी गाड़ियाँ भेजी गई यहाँ पर हमारी अभी दो बड़े गाड़ियाँ भर के यहाँ पे सब रेडी है। 700 लोगों को 700 घरों का हमने रेडी किया है हर चीज़ ताकि वहाँ के जो लोग हैं उन तक एक मैसेज भी हम ये पहुँचा रहे हैं हम ना ही ये मुसलमान के लिए कर रहे हैं ना ही हिंदू के लिए ना सिख के लिए ना ईसाई के लिए बस हम एक ये इंसानियत के नाते हम एक हिंदुस्तानी के नाते कि हम हिंदुस्तान सब भाई भाई है मिलजुल कर रहते हैं और हम भाइयों को ये कदम लेना था तो हम सब मिल के हमारी पूरी टीम ने कदम लिया। कल्याण भिवंडी पड़गा हर गाँव से हर जगह से कुछ ना कुछ लोगों ने मदद भेजी है मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आगे चल के अल्लाह ना करे कहाँ कुछ ऐसा होता है तो हमारी टीम आप लोगों के पास आएंगी उम्मीद लेकर आएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेट कीजिए ताउन कीजिए अल्लाह आप लोगों को जजाए खैर दे। अस्सलाम जितना भी जो ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी की पूरी टीम अभी इस वक्त कोल्हापुर सांगली के लिए हमारे साथ रवाना हो रही है वहाँ पर खिदमत के लिए लोगों की जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं जो पीड़ित है उनकी खिदमत के लिए अभी पूरी टीम रवाना हो रही है और एक गाड़ी आज दोपहर को एक टीम वर्क हमारा दोपहर को जा चुका है। आज के लिए फिलहाल इतना ही कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़ धन्यवाद।